नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या इसको बेच देना चाहिए या नहीं, इसलिए 10 10 शब्द में बताइए, एक शब्द में बताइए केवल। तो देखिए, मैं बोलूंगा कि इसको अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो सेल कर देना चाहिए फिलहाल कंडीशन में, क्योंकि कितना नीचे जाएंगे आधा आधा रुपये करके, ठीक है ना। पहले मैं सीधा 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 एक ही वर्ड बोला था, 1650 रुपये, एकदम 1650, तो 1650। बाद में कई सारा एनालिसिस के बाद फिर 15 आ गया, साढ़े सो फिर 16 आ गया, 16 ये पूरा जोन ही आ गया। तो अब इसी तरह से इसके जोन में जाएंगे तो फिर आगे हो सकता है कि फिर से सपोर्ट बन जाए 14 पे, 1450 पे, तो फिर ऐसे कहाँ तक। क्योंकि देखिए मेन व्यू का था ना, मेन व्यू था इसमें 1800 रुपये का ही, जो अगर आप लोग मुझे बहुत पहले सुने होंगे तो मेन व्यू था 1800 रुपये। और फिर इसके बाद मैं ये वाला जोन टोक किया कि चलिए हर एक बॉक्स के आगे जो है एक बॉक्स बनता है, हर एक जोन के पीछे एक जोन और उसके ऊपर नीचे कहीं ना कहीं एक जोन बन जाता है। क्योंकि इसका मैं आपको लॉजिक भी समझाया था कि कोई भी, अगर मान लेते हैं कि कोई भी इस तरह से एक जोन बनता है, एक कह लें कि साइडवेज जोन बन जाता है किसी भी शेयर का, तब उसका नेक्स्ट जोन भी बनने की संभावना होती है। उसके लोअर लेवल से फिर से इस तरह से जोन बन जाता है, या फिर से जो है उसके ऊपर के साइड से फिर से एक जोन इस तरह से बनने की संभावना रहती है, ठीक है ना। तो इस लॉजिक के हिसाब से और फिबोनाची के आधार पे भी और RSI के आधार पे भी मैं आप लोग को बताया था कि ठीक है, यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। अगर बढ़िया सी रिकवरी तुरंत आ गई तो फिर एक बढ़िया सी तेजी हम लोग को देखने के लिए मिलती, आई थी ये वाली कैंडल पे। मैं खरीदारी करने के लिए आप लोगों को बोला था पहली बार, ठीक है ना, कि इस पे आप खरीदारी कर सकते हो 16 रुपये, 1650 रुपये, या फिर ये लो के नीचे का। ये तीनों शब्द मैं बार बार एक ही साथ बोलता हूँ कि 1650 या 16, या फिर ये जो लो बना है 1550 के आसपास, इसका स्टॉप लॉस आप लोगों को फॉलो करना है। मेन तेजी तभी होगी जब प्राइस 1800 रुपये के ऊपर जाके क्लोज करेगा कैंडल और सस्टेन करेगा। कुल मिला के इस रेंज में जब तक प्राइस नहीं जाता है तब तक दिक्कत रहेगी और छोटी मोटी गिरावट हमेशा जो है आती रहेगी। ये जो कैंडल बनी थी 28 जून 2024 वाली, ये कैंडल बढ़िया थी। बस इस कैंडल के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बन जाती तो फिर वहां से तेजी आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। तो उसी वजह से तीन रेड कैंडल दिखाया, फिर से एक ग्रीन कैंडल, फिर दो रेड कैंडल, फिर से, और ये कैंडल ही हम लोगों की जो है वो 1650 रुपये के नीचे क्लोज की थी। हालांकि अगले दिन रिकवरी आ गया था, जो मैं बताया था कि एक रिकवरी आने की संभावना है, क्योंकि सपोर्ट पे कैंडल क्लोज किया तो आ सकती है रिकवरी, क्योंकि 1650 का भी सपोर्ट बहुत जबरदस्त वाला है और लिया भी है आप लोग। तो फिर इसके बाद भी अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाती तो भी बढ़िया होता, लेकिन जिस तरह से कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल उस तरह से कंटिन्यू नहीं बन रही है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे ना इसमें, कि देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिसीजन अपना लेना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ से हम लोग रुकते हैं तो ऊपर की साइड में 8 रुपये का जो है हम लोगों को इनडायरेक्टली बेनिफिट, मतलब स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, या फिर हम लोगों को नीचे की साइड में अभी और 4 रुपये तक इंतजार करना पड़ेगा, 4% तक। तो या तो फिर हमको 1550 के नीचे डेली कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, पहला ये हो जाएगा। और जैसी कंडीशन में है मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके ये आएगा ही आएगा, नहीं तो फिर इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे थोड़ा सा लॉस लेके। क्योंकि अभी देखिए कहाँ पे, देखिए मेरे हिसाब से अगर जहाँ पे खरीदारी मैं करवाया था वो लेवल था हम लोगों का 17 रुपये का, क्योंकि 17 रुपये पे यही वाली कैंडल पे मैं बोला था खरीदारी करिए, ठीक है ना। और इस कैंडल का अगर हम लोग लो अगर देखेंगे, और अगले दिन तो और नीचे मिल गया था, तो अगर कहेंगे तो 5% का अभी हम लोगों को हमारे कुल मिला के ट्रेड के हिसाब से, जो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड दिया था उसके हिसाब से 5% का लॉस हो रहा। तो उसी 5% या किसी ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एंट्री किया होगा तो 8% 10% मान लेते हैं। अब ये वाले लेवल पे मैं कभी नहीं आपको बोला था कि खरीदिए, ये बात तो हकीकत है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि 10% के लॉस में इसको काट देंगे हम लोग अभी रतन पावर को, बाकी फिर से इसमें खरीदारी करेंगे इसी 1650 या 1700 रुपये के ऊपर, अगर जाके थोड़ा सा बढ़िया कैंडल बनाए तो, नहीं तो फिर छोड़ देंगे इसको हम लोग 1800 रुपये के लिए। 1800 रुपये के ऊपर जाके डेली कैंडल क्लोज करेगा तो फिर हम जो है फिर से खरीदारी इसमें करेंगे। तो जिनके पास ये शेयर है उनके लिए यही स्ट्रेटजी रहेगी कि अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, देखिए छोटी मोटी क्वांटिटी है ना तो फिर कोई टेंशन लेने का नहीं, आप होल्ड कर सकते हो। क्योंकि देखिए अब 10 5 20% का आपको रिस्क लेना पड़ेगा इन सब शेयर में, क्योंकि ये शेयर जो है अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले हैं। 2 दिन अपर सर्किट लोअर सर्किट मारेंगे 10 15%, 2 दिन अपर सर्किट मारेंगे 15 20% इधर मिल जाएगा। या फिर अगर सर्किट लिमिट इनका अभी तो मतलब
कम है, नहीं तो अगर सर की लिमिट चेंज रहता तो 10% नॉर्मल इनमें होता है इधर उधर, 8% कहिए हो तेजी कभी गिरावट, कभी तेजी कभी गिरावट, ये होता रहता है। तो अब 5% 7% का स्टॉप लॉस इनमें कुछ मतलब दम नहीं है, 5% 7% वाले स्टॉप लॉस में, ठीक है ना। हालांकि मैं तो एकदम एग्जैक्ट एंट्री कराया था, इसलिए आप लोगों को 5% का ही अभी लॉस हो रहा है, ठीक है ना। आप अपने से एंट्री किए हो वही हाई पे, तो वो अलग बात है। देखिए ये लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज टू में है, धीरे धीरे ये स्टेज घट रहा है, 5% का सर की लिमिट है, तो 5% भागेगा 5% गिरेगा, तो ये थोड़ा सा कह लेंगे ठीक ठाक है, नहीं तो 7% गिरता 7% ऊपर जाता, 10% गिरता 10% ऊपर, इस तरह से ज़्यादा वोल्टेज रहता है और है भी ये सबसे। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हैं, फिर इसको अगर गिर के आएगा 13 रुपये 12 रुपये के आसपास, जो मैं आपको बहुत पहले से बताया हूँ कि आने की संभावना 13 रुपये तक भी है और 12 रुपये तक भी है, तो अगर इस वाले जोन में आएगा तो फिर से हम लोग इस जोन में खरीदेंगे, या फिर हम लोग का जो मेन जोन है, ठीक है ना, इसको हटा देंगे यहाँ पे, इसका काम नहीं है, और इसको भी हम लोग रेंज को अपना जो है 16 तक का, या तो हम लोग इस जोन में खरीदेंगे, इसको हम लोग ग्रीन जोन कह देते हैं कि ग्रीन जोन में हमारे जाएगा तब इसको हम खरीदेंगे, या फिर इस रेड जोन में आएगा तब इसको खरीदेंगे, ठीक है ना। इसको मैं रेड जोन कर देता हूँ कि या तो ये फिर रेड जोन में आएगा तब हम खरीदेंगे, ठीक है ना। ये दो लेवल पे खरीदेंगे, ये वाले जोन में अभी हम लोग थोड़ा सा इसको अब छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में भी मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत की दिक्कत हो जा रहा है, थोड़ा सा भी मार्केट निगेटिव हो रहा है ना, ये सारे के सारे धराशायी हो जा रहे हैं, देख रहा हूँ सुजलोन हो जा रहा है, रतन पावर, रिलायंस पावर, जेपी पावर, ओरिएंट ग्रीन, एचसीसी, ये हो गया, सलासर हो गया, लोएड स्टील, ये जितने भी एक पैनी टाइप के एक कैटेगरी टाइप के शेयर होते हैं ना, उन सब में जो है दिक्कत हो जा रहा है, तो इस वजह से देखेंगे। हालांकि देखिए मुझे तो वही बात है कि जब तक ये लो नहीं कटेगा तब तक तो भरोसा ही रहेगा कि यहाँ से रिकवरी आएगी, लेकिन अब वही रिकवरी आएगी 10% ऊपर खरीदना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, तो देख लीजिएगा। बाकी ठीक ठाक सब कुछ है, अगर आपको बढ़िया बढ़िया वाले शेयर चाहिए, क्योंकि ये शेयर इन्हीं सब शेयरों के लिए, जो अभी नाम में पढ़ रहा था ना, इन्हीं सब शेयरों के लिए है, अगर आपको बढ़िया शेयर में जाना है तो आप मेरा दूसरा चैनल सुपर स्टॉक एडवाइजर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें अच्छे अच्छे शेयर का मैं वीडियो बनाता हूँ, हालांकि उसमें भी 5-6 चुनिंदा शेयरों का ही मैं वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो मैं ये काम करता हूँ कि हर संडे को मैं जो है पूरा जो है आप लोगों को 5-7 स्टॉक जो है पूरे वीक में जो मुझे पसंद आए रहेंगे उनको मैं ऐड करके रखूंगा, और उनको जो है मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा संडे को, जैसे कि अभी कल बना दूंगा एक वीडियो, तो उसमें कुछ आपको नए नए शेयर मिलेंगे, ठीक है ना, कि जिनमें मेरा व्यू रहेगा कि हाँ इनमें मोमेंटम आ सकता है, स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिंदास कोई भी शेयर उठा लीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और अगर टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं IRFC की वीडियो बना रहा था तो वहीं देख रहा था कि एक बार IRFC इसका दिया था लास्ट टाइम, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं देता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं देता हूँ, यहाँ पे दिया था IRFC, अभी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आप लोगों को, अगर मर्जी है तो, वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है, वहीं मनोरंजन के लिए, ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और वहीं एक संडे को वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ स्विंग ट्रेडिंग वाली, बताइएगा स्विंग ट्रेडिंग वाला चाहिए कि नहीं चाहिए।